अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा जल्द ही निगम मंडल की नियुक्तियां दे सकती है। निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर पूर्व मंत्री गिरिराज धनदोटिया का एक बयान सामने आया है। दरअसल नियुक्ति पर सवाल करने पर उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी मुझे कार्यालय में चपरासी का भी पद देगी तो मैं इसको स्वीकार लूँगा। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। कल के लिए हम पद छोड़ के नहीं आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सिंधिया जी ने जो बनवाई और हम उनके साथ आए हैं, तो हम सेवा करने के लिए आए हैं और जनता के साथ जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मेरे को चपरासी बनाया जाएगा इस कार्यालय में, तो मैं चपरासी बनने के लिए तैयार हूँ, झाड़ू देने के लिए तैयार हूँ। ये सेवा ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो भी वो देंगे उसके लिए स्वीकार है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, मैं तो सेवक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पद के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, सेवा का भाव है, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलकर, उस सदमार्ग पर चलकर हम जनता की सेवा में समर्पित हैं, जनता की सेवा के लिए। मेरा गिरिराज डंडोतिया जी से एक सवाल है कि वो मध्य प्रदेश में इतने सालों बाद वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से विधायक बनकर आए थे, नवनिर्वाचित उनको विधायक बनाया गया, तो कांग्रेस में वो सेवा नहीं कर पा रहे थे क्या? डेढ़ वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किया, जब वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करी, जब वो सिंधिया गुट के साथ मिलकर बीजेपी में चले गए, उसके बाद उनकी विधानसभा से उन्होंने उनके लोगों ने उनको हराया। मैं उनसे पूछता हूँ, कांग्रेस में सेवा कहाँ कमी रह चुकी थी? आज इस देश में इतना पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, उस पर तो बात नहीं कर रहे, ये बोलते हैं चपरासी का काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। मैं कहता हूँ आपका काम भारतीय जनता पार्टी में झाड़ू लगाने का ही हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस में आपको इज्जत मिलती थी, वहां पे आपको झाड़ू लगाने का काम मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि निगम मंडल में उनको जगह मिलनी चाहिए या नहीं? सिंधिया गुट के लोग हैं, ये 35-35 करोड़ में बिके हुए लोग हैं, ये नगर निगम में नियुक्ति मांगेंगे, ये सब मांगेंगे, पर जनता की सेवा नहीं करेंगे, अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ झाड़ू लगाने का काम करेंगे, नियुक्तियाँ मांगेंगे, 35-35 करोड़ रुपये मांगेंगे, पर इनसे अगर हकीकत कहा जाए, जमीनी स्तर पर कहा जाए कि लोगों की जाके सेवा करें, तो ये सेवा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने गिरिराज डंडोतिया के बयान पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गद्दार हैं, आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करी है, और गद्दारों की जगह एक चपरासी की ही होती है जो आपको बीजेपी में मिलनी चाहिए। प्रभासाक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल।